बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, पेज नंबर 10, लेसन नंबर 3, मिनरल्स। अल्लाह ग्रांट्स मैनी ब्लेसिंग्स टू आवर कंट्री। सम ऑफ दीज ब्लेसिंग्स आर आउट ऑफ लैंड एंड सम आर हिडन इनसाइड। सच ब्लेसिंग्स विच आर आउट ऑफ लैंड आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज एंड सम विच आर इनसाइड द लैंड आर कॉल्ड मिनरल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिनमें से बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर होती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई होती हैं। ऐसी नेमतें जो ज़मीन के ऊपर हों उनको हम नेचुरल सोर्सेज कहते हैं और जो ज़मीन के अंदर से हासिल की जाएँ उनको मिनरल्स कहा जाता है। अल्लाह ग्रांट्स पाकिस्तान विद सो मैनी ब्लेसिंग्स, एक्सपर्ट्स सर्च मिनरल्स हिडन इनसाइड द लैंड एंड देन ब्रिंग इट टू यूज़ आफ्टर सर्च। अल्लाह ताला ने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, माहरीन के मुताबिक जो चीज़ें, जो मिनरल्स छुपे हुए होते हैं उनको सर्च करके उन्होंने इस्तेमाल के काबिल बनाया है। मिनरल्स विच आर इन आवर कंट्री, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। हमारी कंट्री से जो मिनरल्स मिले हैं उनमें से चंद एक जो हैं वो यहाँ काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें से पहला है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्टली, नेचुरल गैस इन्वेंटेड फ्रॉम प्रोविंस बलूचिस्तान, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वीट गैस। नेचुरल गैस जो है वो एनर्जी हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है। सबसे पहले जो सुई गैस दरियाफ्त की गई थी वो बलूचिस्तान में दरियाफ्त की गई थी, इसी वजह से उसका नाम सुई गैस रखा गया। दिस गैस इज़ यूज टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, मिल्स एंड हाउसेज। देयर आर ऑल्सो नेचुरल गैस स्टॉक्स ऑन डिफरेंट प्लेसेज इन प्रोविंस पंजाब, बट वी कैन नॉट यूटिलाइज दीज स्टॉक्स कम्प्लीटली। कुदरती गैस जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ की जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ की जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो मशीनों को चलाने के लिए, मिलों को चलाने के लिए और घरों में भी इस्तेमाल की जाती है। नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पर दरियाफ्त की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसको काबिल इस्तेमाल नहीं, मतलब कि उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल कीप्स दैट द रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री एज बैकबोन इन ह्यूमन बॉडी। मिनरल ऑयल जो है वो एक इतना अहम रोल रखता है किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसमें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी का जो काम होता है, उसी तरह मिनरल ऑयल जो है वो तरक्की के लिए किसी भी मुल्क में ज़रूरी है। देयर आर डिफरेंट ऑयल वेल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारे तेल के कुएँ हैं। इन दीज एरियाज बल्कसर, करसल, खूर एंड जोयामीर एरियाज आर इंक्लूडेड, जहाँ पे ये कुदरती तेल पाया जाता है वो जगह जो हैं उनके नाम ये हैं, जिनमें बल्कसर, करसल, खूर और जोयामीर शामिल हैं। ऑयल प्रोड्यूस इन कोर्स फॉर्म फ्रॉम वेल्स। दिस ऑयल कन्वेज फॉर रिफाइनिंग ऑयल मिल्स थ्रू बिग पाइप्स लाइन्स। There is a very big mill for refined oil in Karachi. Oil refined mills built in Multan and Rawalpindi in the province Punjab. This oil parcels in different areas of Pakistan after refining, where this is used in mill machine and cars as a fuel. Jo बहुत सारे कुएं हैं जिनमें, जो पाकिस्तान में पंजाब में मौजूद हैं, वहाँ से तेल लिया जाता है और बाद में उसको बड़े पाइपों के ज़रिए मिलों तक पहुँचाया जाता है। कराची में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनिंग मिल है जो कि ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको साफ़ करने के लिए, ताकि वो इस्तेमाल में लाया जा सके। आफ़्टर रिफाइनिंग, इस ऑयल को क्लीन करने के बाद, इसको इस्तेमाल के काबिल करने के बाद, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजा जाता है, जहाँ पर ये मशीनों में, मिल्स में और कार्स में यूज़ किया जाता है एज़ अ फ्यूल।
यानी कि ये जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं इनमें जो हम पेट्रोल डलवाते हैं वो एक नेचुरल ऑयल है, मिनरल ऑयल कहा जाता है उसको। वो डायरेक्ट हासिल करने के बाद उसको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होता, साफ़ नहीं होता। तो पहले वो मशीनों में जाता है, मिल्स में जाता है बड़े पाइपों के ज़रिए, बाद वो उसको रिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ फास्टली इंक्रीजिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मिनरल ऑयल इन आवर कंट्री इज़ नॉट इनफ टू फुलफ़िल आवर कंट्रीज़ रिक्वायरमेंट, सो वी इम्पोर्ट ऑयल फ्राम अदर कंट्रीज़ फॉर फुलफ़िल कंट्रीज़ रिक्वायरमेंट एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट। मिनरल ऑयल जो है वो हमारे मुल्क में इतना नहीं हासिल किया जाता जो वो हमारे मुल्क की अपनी ही ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो हमें अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मज़ीद ऑयल चाहिए जो हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।